तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नागिन। मां क्या कर रही हो? मारो इस आदि नागिन को। शादी नागिन को औरत को, मुझे पता तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं। तो बानी, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? विरांचो मेरे सबसे बड़े प्राणघातक दुश्मन का बेटा है, वो दुश्मन जिसके बारे में मुझे आज से पहले तक पता भी नहीं था। वो औरत, वो दुश्मन, उसकी माँ कब से इसी घर में रह रही थी और आज तक मुझे उसकी खबर तक नहीं। अब यकीन आया मुझ पे? तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि वीर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। बानी उसे मारो और खत्म करो उसे। बानी, वो मारकाट का बेटा है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, उसे मारो और खत्म करो। मां, मां एक बात बताओ, मां आपको तो सर्प और चील दोनों ने का वरदान मिला है, तो शक्तियां मुझे क्यों नहीं मिली? मैं तो आपको बेटा हूं। मिलनी तो चाहिए थी और मिल भी सकती है अगर तू जीत गया तो। अब सांप और चील होने का आशीर्वाद लेकर तो तू पैदा नहीं हुआ और ये आशीर्वाद तुझे सिर्फ मैं दे सकती हूँ। अगर तू जीत पाया तो। ओ, तो इसका मतलब मुझे आपको हराना पड़ेगा? लेकिन माँ, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। तू मुझसे लड़ भी नहीं सकता बुद्धू, तुझे तो अपने भाई को हराना होगा, मेरे दूसरे बेटे को। भूल गया?
तू उससे नफरत करता है उसका ये मतलब तो नहीं तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। वीर से फिर मेरे लिए चुनौती वो सिर्फ आदि नागिन रह जाएगी जिसे मैं यूं खत्म कर दूंगी और फिर उसके बाद नागों और चीलों में मैं सबसे शक्तिशाली होंगी सबसे ज्यादा ताकतवर। और फिर उसके बाद ये मुझ पे होगा कि मैं अपनी अचूक शक्तियां मेरे किस बेटे को दूं तुम्हें या वीर को। मुझे सिर्फ मुझे मिलेंगी वो सारी शक्तियां और किसी को मिल नहीं सकती क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वीर वीर तो वीर गति प्राप्त कर जाएगा और राज करेंगे सिर्फ मैं और मेरी मां। तू तो गया वीर तू तो खत्म हो गया है? जी खत्म। ये बात मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ। लेकिन पूछोगी नहीं क्योंकि तुम्हें मेरे इरादे मालूम है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इरादे क्या है पानी शर्मा। क्या कर रही थी तुम मेरी माँ के साथ तब बताओ मुझे। मैं खुद को बचा रही थी। किससे? एक बूढ़ी लाचार कमजोर औरत से? एक मामूली इंसान से? किससे? वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। इंसान नहीं है वो और कमजोर तो बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया की एकदम भयानक घातक शक्ति है उसके अंदर जिसके बारे में तुम जानते तक नहीं हो। मार काट है वो। बस बकवास बंद करो पानी। पे पर्दा मत डालो। खुद अपनी आंखों से देखा है तुमने मेरी माँ पे हमला किया। तुमने सिर्फ वही देखा जो तुम्हें दिखाया गया और तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं तुम्हें मारने के लिए और उसका हिस्सा मेरी मॉम भी है करेक्ट? हाँ सच में ऐसा ही है। ये साजिश ही है और ये आज की नहीं है सदियों पुरानी है। घूम फिर के सुई मुझ पर आके अटक जाती है। बोलो 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 क्या ये साजिश मैंने रची है? मैं तुम्हें मानना चाहता हूँ। बोलो बोलो मैं वेट कर रहा हूँ। बोलो बोलो। नहीं वो तुम नहीं हो फ्रांशु। थैंक गॉड। मेहरबानी तो बताओ किसने साजिश रची है मेरी माँ के साथ? वो कौन है जो तुम्हें मानना चाहता है? वो कौन है? बोलो। क्या? हाँ जय है वो। पता तुम क्या बोल रही हो? मैं जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। बस तुम अपने कान खोल के मेरी बात सुनो। आज क्या हुआ? वो जय था जो मुझे पार्टी से बाहर लेके आया। ठीक उसी जगह कुछ देर बाद तुम्हारी माँ भी आई लेकिन जय वहां से जा चुका था। उसे लगा कि मैंने कुछ देर पहले अपनी कैचुली बदली है तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी और उस वक्त अगर कोई मुझ पर हमला करेगा तो मैं लड़ नहीं पाऊंगी। लेकिन तुम लड़ी और फिर तुम आए और अपनी माँ को वहां से लेकर गए और जय वहां पे आया और उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने कुछ ऐसा कहा जिसके बारे में मैंने कभी उससे जिक्र तक नहीं किया था। बात तक नहीं की थी। मैं वो अजीब से जीव को जानती तक नहीं। उसका नाम तक नहीं जानती जिसका रूप तुम्हारी माँ ने लिया था। वो जय नहीं बताया मुझे। और काट। हाँ इस सब का एक ही मतलब है
कि जय मारकाट को पहले से जानता है, उसका और तुम्हारी माँ का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है।